जब बची हुई रोटी की इतनी कमाल की रेसिपी बनाएंगे ना, तो बार बार आप रोटी बचाना चाहेंगे, तो इस तरह से बनाएंगे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बताने वाले हैं बची हुई रोटी की आप कितनी गजब की टेस्टी रेसिपी बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे रात का 2 रोटी बच गया है, तो मैं सोची कि क्यों ना इसका बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा टेस्टी रेसिपी बनाते हैं। तो यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इस तरह से काट लेना है। फ्रेंड्स पूरे वीडियो में बने रहे, जब भी आपके घर में रोटी बनेगी तब भी आप यही रेसिपी बनाने की सोचेंगे, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे चाय के साथ खाएंगे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमें काट लेना है। यहाँ पे एक कट हम और लगा देंगे इस तरह से। जरूरी नहीं कि आप ट्रायंगल में ही काटें, आपको जिस तरह से पसंद हो आप उस तरह से इसका आकार दे सकते हैं। तो इस तरह से हम पतली पतली रोटियों को इस तरह से कर लेंगे। तो इस तरह से सारे अच्छे से इस तरह से हम पीसेस निकाल लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरी बनके तैयार होती है दोस्तों। तो इस तरह से हमें काट लेना है दोनों रोटियों को। तो यहाँ पे हमने सभी को काट लिया है। एक पैन में हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे। यहाँ पे हमने 2 से 4 चम्मच तेल लिया है। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। तो फ्रेंड्स जब जीरा अच्छे से चटक जाए तब एक एक पीस हमें अच्छे से इसमें फ्राई करना है। फ्रेंड्स जीरे का तड़का आप जरूर लगाएं, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से सभी रोटियों को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स तेल ज़्यादा ही डालना है। अब इन्हें हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा तेल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने जीरे का तड़का लगाया था तो हमें तड़के का स्वाद भी चाहिए था, इसके लिए हम यहाँ पे कम तेल रखा है। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख रहे हैं अच्छे से हमें मीडियम लो पे फ्राई कर लेना है सभी रोटियों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है। अब बाकी इसी तरह हम सभी को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे सभी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं अच्छे से, हमने यहाँ पे सभी को निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, ऊपर से थोड़ा सा मसाला डालना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा बहुत ही कम हल्दी मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर बहुत ही थोड़ा डालना है हल्दी पाउडर। अब हम ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर। अब हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अब डाल देंगे चाट मसाला। अब हम डाल देंगे ऊपर से काला नमक। काला नमक नहीं है तो कोई बात नहीं, सिंपल नमक भी आप डाल सकते हैं। अब इन सभी को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, इस तरह से अच्छे से मिला लेना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कुरकुरा बन के तैयार हुआ है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चाहे शाम की भूख हो छोटी मोटी या फिर सुबह की, आप इसे चाय के साथ खाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से क्रंची क्रंची बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स मेरी ये आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। ये सिंपल तरीका ज़रूर है पर खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इस तरह से आप ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छे से कुरकुरा बन के तैयार हुआ है। तो अगर आपको पसंद आई हो आज की रेसिपी तो कॉमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।